हे कंज्यूमर्स, मैं हूं आपका होस्ट पीएसबी और आप देख रहे हो कंज्यूमर अवेयरनेस चैनल को। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को Redmi 2C जो एयरडॉट्स है उसका रिव्यू नहीं, एक प्रॉब्लम का सलूशन बताने वाला हूं। तो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए अगर आप लोगों को सॉल्व करना है इसका राइट ईयरफोन का प्रॉब्लम। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने हाल ही में ये Redmi AirDots 2C खरीदा था, ऑब्वियसली शॉप में जाके, ऑनलाइन नहीं। तो शॉप में जाके मैंने ये खरीदा, 5 दिन बहुत सही चला ये ईयरफोन, फिर राइट ईयर फोन से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो मैंने सर्विस सेंटर को कांटेक्ट किया, मैंने नियर बाई जो सर्विस सेंटर है जो एकडालिया में पड़ता है, बालीगंज में, वेस्ट बंगाल कोलकाता, उधर मैं गया और उधर मैंने उनको दिखाया ये प्रॉब्लम। उन्होंने बोला कि 6 मंथ्स का वारंटी है, तो जो भी चार्जेस होगा, टेक्निकल एरर्स जो भी है, वो फ्री में ठीक होगा, या अगर ठीक नहीं होता है तो रिप्लेस हो जाएगा फ्री में। तो मैं बहुत खुश था वो रिस्पॉन्स सुन के, मेरे पास बिल भी था तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा था कि हाँ मुझे एटलीस्ट एक रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। तो मुझे लगा ये मेरा सिर्फ पर्सनल प्रॉब्लम है, मेरे डिवाइस के साथ ही प्रॉब्लम है, किसी और के साथ नहीं है। तो मैंने थोड़ा यूट्यूब में रिसर्च किया तो देख रहा कि सभी को सेम चीज़ इशू जो है वो फेस वो लोग कर रहे। तो मैंने सोचा कि इसका कुछ सलूशन तो होगा, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि थोड़ा लाइक सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर का ग्लिच है जो ठीक किया जा सकता है, कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने उनसे वो टेक्निक सीख लिया। तो अगले हाफ में जो आप लोग वीडियो देखोगे वो इसी को ठीक करने वाला सेक्शन होगा। कि आप लोग देख सकते हो कि ये राइट वाला जो ईयरफोन है उसमें ना ही कुछ चार्जिंग का इंडिकेटर आ रहा है। मैं बहुत कुछ कर चुका था पर कुछ इंडिकेशन नहीं आ रहा था। मैं अभी आप लोगों को एक सिंपल सा टेक्निक सिखाऊंगा जिसके मदद से आप लोग अगर राइट ईयरफोन काम नहीं कर रहा है, चार्ज नहीं ले रहा है, या कुछ साउंड नहीं आ रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा है, या लेफ़्ट ईयरफोन, दोनों ईयरफोन में अगर कुछ भी कनेक्टिविटी का इशू है, तो ये स्टेप अगर आप लोग फॉलो करोगे तो आपका बहुत ही आसानी से ये ठीक हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं स्टेप क्या है। स्टेप बहुत सिंपल है। पहले आप लोगों को फ़ोन से डिसकनेक्ट करना पड़ेगा, या लैपटॉप से कहीं से भी है तो उधर जाके, फ़ोन में जाके आप लोगों को इसको अनपेयर करना है। अनपेयर करने के बाद वो जो कैप्सूल है, कैप्सूल को चार्जिंग में देना पड़ेगा। चार्ज होते होते आप दोनों ईयरफोन का जो क्लिकी सिस्टम है, जो क्लिक वाला बटन है, उसको एक साथ, दोनों ईयरफोन को एक साथ आप लोगों को साइमल्टेनियसली दबाना पड़ेगा। तो फिर आप दोनों ईयरफोन को बहुत ही आसानी से आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, रीसेट हो जाता है उससे। तो क्या होता है, आप लोग बहुत ही आसानी से रीसेट करके दोनों ईयरफोन को फिर से वर्किंग कंडीशन में लेके आ सकते हो, जैसे कि मैंने दिखा दिया आप लोगों को।